पापा की परी उड़ रहा है। धनिया का पकड़ो, कितने का धनिया का? एक रास्ता पार हो रहा है सिविल ड्रेस में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं ब्रश कर रहा था और हमारे इधर ना लोकल कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग तो ताना मारते। कल वैसे ही दो तीन लोग मुझे मिला, मुझे बोला, तब तो मैं कुछ रिप्लाई नहीं दिया था। अभी मैं रिप्लाई दे रहा हूँ वीडियो पे कि यार वो लोग पहले बोल रहा था क्या क्या वीडियो बनाता है, हर रोज़ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है इसका दिखाने का। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ यार, व्लॉग रहता है जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मेरा शौक है यार, बचपन से शौक है। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मैं फर्स्ट वीडियो पे भी बता चुका हूँ यार, कहीं भी जाता हूँ ना मैं थोड़ा सा मैं ब्लॉग बना ही लेता हूँ, मतलब वीडियो बना ही लेता हूँ छोटे से। ठीक है, जब से मेरे हाथ में मोबाइल आया तब से मैं वीडियो बनाता हूँ और मेरा मोबाइल पे इतना सारा वीडियो कैद है ना कि क्या बताऊँ। तो मैंने सोच रहा था कि इतना जब वीडियो बनाता हूँ तो इसको किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर लूँ। मेरा जो ड्रीम है ना उसको मैं एक जगह पर कैद नहीं करना चाहता, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ हर एक में। मेरा ड्रीम है ट्रैवलिंग, ठीक है। तो उस ड्रीम को जब पूरा करूंगा उसके बाद क्या होगा यार, भूल जाएंगे सब लोग, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो कोई भूले। और मैं जो घूम रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ ना, तो वो सब भी मैं एक प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरा एक खुद का प्लेटफॉर्म मैं क्रिएट करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं हर रोज़ ये वीडियो बनाता हूँ और मेरा शौक है यार, मेरा ड्रीम है ये। लेकिन मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ ये सब, आप अगर देखा नहीं हो तो देख के आ जाओ। हर रोज़ मैं जब वीडियो शूट करता हूँ, डालता हूँ, मुझे अच्छा लगता है यार। और भी बोल रहा था कि यार तू जो कर रहा है वो पागलपन है, ये काम करने कुछ पागलपन नहीं कर। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, मैं तो काम कर ही रहा हूँ, उसके साथ में अपने ड्रीम कंप्लीट करने के लिए जो करना पड़ रहा है मैं वो कर रहा हूँ। आप लोग बोल रहे हो कि यार मैं पागलपन कर रहा हूँ, तो यार थैंक यू दिल से, अच्छा लगा सुन के। जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें दूसरों को ना लगे कि ये पागलपन है, तो वो काम करने में मज़ा ही क्या है। तो थैंक यू दिल से कि यार आप लोग बोल दिया कि यार पागलपन है, तो मैं सही रास्ते पे हूँ यार, सच बता रहा हूँ। आज लग रहा है कि यार मैं सही रास्ते पे हूँ, जिस रास्ते पे मैं बढ़ रहा हूँ उस रास्ते पे पागलपन ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा यार, समझ जाओ। मुझे शौक था, मैं शौक अपना पूरा कर रहा हूँ, मेरा ड्रीम है, मैं ड्रीम अपना पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो छोड़ते हैं इन लोगों की बात को, और अभी मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ काम के लिए, तो अभी जाके रेडी होते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी मैं निकल चुका हूँ और ठंड इतना पड़ रहा है ना, तो बाइक ले जाने की हिम्मत नहीं हुआ गाइस। तो अभी रिक्शे से जा रहा हूँ और अर्षित भी आ रहा है उसी रिक्शे से, तो उसके बाद निकल देंगे। तो अभी रिक्शे पे भी बैठ चुका हूँ और जा रहा हूँ ये और मैं। ठंडे भाई, ये यहाँ पे चेकिंग बैठे रहते हैं हर वक्त, ये बाइक रखे ना पुलिस का बाइक है, और इधर एक लॉरी रुका हुआ है, सब रहते हैं सिविल ड्रेस में। देखा एक रास्ता पार हो रहा है सिविल ड्रेस में, मतलब क्या ही बोलूँ, चलान कट रहा है फिर भी मतलब सिविल ड्रेस पर रहते हैं, ये है पुलिस वाले यहाँ का। एक चीज दिखाओ, ये देखो पापा की परी उड़ रहा है। अभी कैमरा कर लेता, अभी वीडियो बना लेता, देख लेता ना, तो फूट देता वही का भाई। अभी क्या आइडिया इसका था मेरा। ये क्या बात करता है यार पेट में बादल जैसे गरजते हैं ना, वैसे गरज रहा है। खाना खा के नहीं आया ना इसलिए, क्योंकि आज खाना बनाया नहीं, लेट हो गया था बहुत उठने में, तो जल्दी चला आया और खाना पकाने नहीं हुआ। शायद से सारे दिन भर बिना खाए जाएगा, रात को जाकर खाऊंगा यार। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो अभी मैं आया था कैंप में और आज भीड़ भी बहुत लग गया, तो काम खत्म करके ही एकदम आपसे मिलते हैं। कब तक काम खत्म होगा मुझे भी पता नहीं, तो मिलते हैं आप लोगों से। 2 hours later, और अभी जाके काम तो खत्म हुआ और अभी गाड़ी वगैरह लोड हो रहा है, वही बैठ के देख रहा हूँ ये। और जैसे जैसे रात होते आए ना, शाम होता है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा ही लग रहा है, पता नहीं कितना ठंड और बढ़ेगा। मैं जहाँ पे आया हूँ तो उधर राइस वगैरह नहीं मिलता, तो इसलिए आज चावल नहीं खा पाया, लेकिन इधर ये छोटा छोटा पकौड़ा का शॉप बैठा हुआ है इधर, तो दिखते हैं इधर से पकौड़ा ही खाऊंगा, तो क्योंकि मन भी गया तो बहुत ये पकौड़ा खाने का। तो इसे पूछ लो, तो ये धनिया का पकौड़ा कितने का? धनिया का इसका हाँ कितने का है?
नहीं नहीं बता, और कितने का है पकौड़ा? हाँ कितने का है? अरे पापा 5 टका पीस। 5 दो दे दो, दो दे दो, दो दे दो। हाँ लोबन लोबन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये ले लो यार। हाथ में तो पकौड़ा आ चुका है, अब इसे खा के कैसे देखूंगा। मतलब खाने के लिए भी ना मुझे ये मोबाइल को बंद करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही जाके मैं ये खा पाऊंगा। तो आप लोगों से मिलते हैं, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा वरना ब्लॉग। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे रहना, टेक केयर एंड बाय बाय।